अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप बैठ। कैसे हो? वॉन्ट समथिंग? कुछ ऑर्डर करो। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना, बोलो। वो मैं शादीशुदा हूँ। मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मशहूर बिजनेसमैन कमाल हसन की भी आई हो और तुम्हारी शादी किन हालात में हुई, ये भी जानता हूं। और ये भी जानता हूं कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। इससे आपसे किसने कहा है कि मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूं? कुछ बातें कही नहीं जाती, देखने वाले समझ आते हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूं। इरसा, अगर तुम अपनी शादी से खुश होती तो आज यहां मेरे सामने ना बैठी होती। मैं यहां सिर्फ ये बताने आई थी कि मैं शादीशुदा हूं, और अगर मुझे पता होता कि आप ये सब कुछ जानते हैं तो मैं यहां कभी भी नहीं आती। और सच पूछे तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आप ये सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद आपने वो सारी बातें मुझसे की। उम्मीद है कि आज के बाद आप इस तरह की कोई बात मुझसे नहीं करेंगे। और मुझे उम्मीद कि एक दिन तुम भी कहोगी कि दानियाल मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो भी है।
आप अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तुम ठीक हो? मेरी आवाज को क्या हुआ है? ठीक तो है। नहीं मुझे ठीक नहीं लग रही। बट एनीवे मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि पुप्पो की कल फ्लाइट है, वो जा रही हैं। तो तुम्हारी कल की मसरूफियात क्या हैं? नहीं कोई मसरूफियत नहीं है। इनफैक्ट सोच रही हूँ अब से ऑफिस ना जाऊं। क्या हुआ? खैरियत है? वो आजकल ज्यादा काम नहीं होता ऑफिस में इसलिए। चलो ठीक है फिर मैं पुप्पो को बता देता हूँ। वो इंसिस्ट कर रही थी कि उन्हें तुमसे मिलना है। ठीक है इज इट ओके? ओके चलो ठीक है। ख्याल करो फिर रात को मुलाकात होती है। हाँ ओके ओके बाय। सर। हाँ बोलो। सर फरियाल आई है। कौन फरियाल? फरियाल जुबैरी। फरियाल जुबैरी भेजो भेजो फौरन भेजो। ओके सर। कमाल हसन। हेलो फरियाल जुबैरी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब देखते ही रहोगे या बैठने को भी कहोगे? एक मिनट देखने दो। गॉड यू आर स्टिल द सेम यंग एनर्जेटिक एंड ब्यूटीफुल। और तुम भी बिल्कुल नहीं बदले फ्लर्टी। फॉर गॉड सेक यार मैं शरीफ आदमी था। बैठो। था मतलब तब शरीफ आदमी थे तो अब तो अल्लाह ही हाफिज होगा। क्या हो गया मतलब कहते हैं ना पुराना दोस्त ना मिले। क्या पियोगी चाय या कॉफी? तुम्हारे इस बोरिंग से ऑफिस में बैठे कॉफी पीने का मेरे बिल्कुल मूड नहीं है। तो कहीं बाहर चलते हैं? चल सकते हैं लेकिन मेरा ऑफिस बोरिंग नहीं है। अच्छा बाबा तुम्हारा ऑफिस बिल्कुल बोरिंग नहीं है लेकिन मेरा किसी अच्छे से एनवायरमेंट में बैठ के कॉफी पीने का मूड है। बाहर ही जा रहे हैं तो फिर कॉफी क्यों पिए? लंच वगैरह करते हैं? अरे नहीं नहीं लंच नहीं। एक्चुअली मैं अपना डाइट प्लान फॉलो करती हूँ और उस हिसाब से अगर हमने रेस्टोरेंट वालों से खाना मांग लिया ना तो हमें बाहर निकाल देंगे। हेलो लंदन रिटर्न दिस इज कराची। डोंट अंडरएस्टिमेट माय सिटी। जो बोलोगी यहाँ मिलता है खाने के लिए समझी तुम। पर आज तुम्हें चीट करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा भी चीट डे है। सो चलते हैं ठीक है? ठीक है इस बारे में सोचा जा सकता है। So, after you. Okay, मतलब इतने formal? क्या करूं ये जो हुई है। आई प्लीज। I can't believe. हाँ सुनो मैं बाहर जा रहा हूँ जरा घंटे तक आप। ओके तो कहाँ गायब रही इतना अरसा? बस शादी के बाद लंदन चली गई थी। 10 साल वहीं रही। अब तो माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं। अरे वाह माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर शेरी शेरी माय एक्स हस्बैंड। एक्स? वही बता रही हूँ। शेरी को कनाडा में जॉब मिल गई थी। मेरा बिजनेस यूके में था। शेरी चाहता था कि मैं सेक्रीफाइस करूँ। मैंने इनकार कर दिया। शेरी को गुस्सा आ गया और एक दिन शदीद गुस्से में उसने मुझे डिवोर्स दे दी। I'm so sorry फरियाद। I'm so sorry. It's okay. Anyway, तुम सुनाओ, तुम्हारी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारी फैमिली लाइफ काफी सेटल्ड होगी। कह सकते हैं। Thank you.
इरसा? हम्म, क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है। तो फिर इतनी चुप चुप क्यों? फोन पे भी ऐसी बात कर रही थी। वो आजकल जरा ऑफिस में काम ज्यादा है तो इसलिए थक गई हूँ। पर तुमने तो कहा था कि आज ऑफिस में काम ज्यादा नहीं। इधर देखो मेरी तरफ। कहीं बाहर चलते? नहीं, मुझे नहीं जाना। कोई टेंशन है, परेशानी है? कोई टेंशन नहीं है। तो फिर इतनी बुझी बुझी क्यों? कर तो रही हूँ बात। तेरे लिए मेरी सांसें क्यों है पराई, पास भी तेरे फिर भी है जुदाई, तेरे लिए मेरी सांसें क्यों है पराई, खाली खाली खोया। अभी टाइम में पहुंच जाएंगे वक्त पर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो भाई तुम लोग? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अरे आओ ना। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बहुत बहुत मुबारक हो पप्पू आपको। खैर मुबारक। अच्छा बात तुम आ गई, वरना हसरत लेके जाती कि तुमसे मुलाकात नहीं हुई। आज तो लाजमी आना था मुझे। जीती रहो, खुश तो हो ना? क्या हो गया? पिछली दफा आई थी तो बहुत चहक रही थी, आज क्या हुआ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है कमाल, तुमने हमारी बहू को खुश नहीं रखा? क्या बात कर रही है पप्पो, मेरी इतनी मजाल कि मैं ऐसी कोई हरकत करूं? और क्यों चुप चुप है? मैं तो कई दफा पूछ चुका हूँ, आप भी पूछ के देख लीजिए। क्या बात है बेटा, क्यों चुप हो? बोलो बेटा। इरसा, नहीं पप्पू ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस बिला वजह परेशान हो रही हैं। चलो अब अल्लाह के घर जा रही हूँ ना, तुम दोनों के लिए बहुत दुआ करो, अल्लाह ताला खुशियों से नवाजे। हाँ। सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ। एक बार गोद हरी हो जाए तो फिर नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर और बच्चे में दिल लगा रहेगा। अम्मी चले, एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है। हाँ बेटा। अच्छा भाई खुदा हाफिज, दुआ करना हमारे लिए जरूर। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आज तो मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है, भाई खैरियत है? बिल्कुल, बात ही ऐसी है, मेरा रिजल्ट आ गया है। रियली? क्या ग्रेड आए? शुक्र करें पास हो गई हूँ, वरना जिन सर्कमस्टेंसेस में मैंने एग्जाम्स दिए थे ना,
मुझे तो लग रहा था फेल हो जाऊंगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत लायक है। हाँ वो और बात है कि थोड़ी लापरवाह जरूर है। शमसा आपा की बेटी होके तुम अच्छे ग्रेड्स ना लाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर ये बताओ तुम्हारे पापा की नई बीवी कैसी है? ठीक ही है, उसको क्या होगा। आजल बीबी आपके लिए कोई कोरियर आया है। कोरियर? जी। अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जी ठीक है। खाला मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके ओके। Excuse me. जी सर। सबा वो सिरसा नहीं आई आज? नहीं सर, वो तो आज ऑफिस नहीं आई। कोई कॉल की उन्होंने? नो सर, कोई कॉल नहीं की। ठीक आप चलिए। थैंक यू। बिल्कुल जनाब, आइए आइए। मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, और तुम तो डिस्टर्ब कर भी नहीं सकती। अब इस बात का क्या मतलब है? अच्छा ही मतलब है, बैठो। मैं बैठने नहीं, तुम्हें लेने आई हूँ। क्या तुम हर वक्त अपने इस बोरिंग से ऑफिस में बैठे रहते हो? हेलो, बोरिंग ऑफिस नहीं है, लोग मेरे ऑफिस की कॉपी करते हैं और तुम डिग्रेड कर रही हो उसे। अच्छा अच्छा नहीं करती, मेरे साथ चलो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? हाँ, क्या तुम्हें बीवी की परमिशन की जरूरत है? मैं चली जाती हूँ, अगर तुम्हें कॉल पे बात करनी है तो। हो गई बकवास, एक मिनट दो मुझे। हाँ सुनो, मैं घंटे के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। ओके चलो, सेक्रेटरी को तो बताना होता है ना, कोई मीटिंग रखी हुई हो तो। आइए। थैंक यू। ठीक है ना?
हेलो, कैसे? मैं ठीक हूँ। ऑफिस क्यों नहीं आई? ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा था। कहीं नाराज तो नहीं मुझसे? नहीं। इरशाद देखो, मैंने तुम्हें मोहब्बत के लिए फोर्स नहीं किया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी तो आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्रेस देम। और मैंने तुमसे कब कहा है कि मेरी मोहब्बत का जवाब तुम भी मोहब्बत से दो? क्या कहा मैंने? नहीं। तो फिर मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं किसी से नहीं भाग रही। अच्छा, तो ऑफिस क्यों नहीं आई फिर? ऑफिस में बहुत सारे काम हैं जिन्हें सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। कल आ जाऊंगी। ओके, आई वेट फॉर यू। बाय। ऐसा देखो, मैंने तुम्हें मोहब्बत के लिए फोर्स नहीं किया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी तो आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्रेस। बस पीछे ही है। इधर है कुछ? नहीं, उधर ही। अच्छा सुनो, वो 2-2.5 घंटे तक आएगा पेंटिंग्स लेके। फोन अपने पास ही रखना। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है। अरे अंदर नहीं आओगे? नहीं यार, मुझे निकलना है, एक मीटिंग पे पहुंचना है। तुम्हारे बहाने। अरे नहीं यार। अरे याद आया, आज तो आइजल का रिजल्ट था ना। What? क्या हुआ? कुछ नहीं, जब सुबह घर से निकला हूँ तब याद था, ऑफिस के चक्करों में सब कुछ निकल गया दिमाग से। Trust me, बूढ़े हो गए हो तुम। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बहुत खफा होगी? ऐसी वैसी, जीना अजाब कर देगी। देखो मैंने शॉपिंग में तुम्हारी मदद की है, अब तुम्हारा काम बनता है कि तुम मेरा ये मसला जो है ना ये हल करवाओ। क्या करूं? Very simple. कोई सरप्राइज प्रेजेंट ले जाओ और कह देना कि प्रेजेंट के साथ विश करना चाहता था। आइडिया अच्छा है, लेकिन क्या लेके जाऊं उसके लिए? कोई छोटी मोटी चीज आइजल के नाक पे नहीं टिकेगी। आई थिंक इट शुड बी समथिंग बिग। गाड़ी? ग्रेट आइडिया, गाड़ी देख के ना वो सब कुछ भूल जाएगी। सही हो गया, थैंक यू सो मच। और ये मदद मैं याद रखूंगा। थैंक यू। चलो मैं निकल रहा हूँ, जाता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। मानो, तुम कब आई? बस अभी अभी। कैसी हो? मैं ऑफिस गई थी, पता चला तुम वहां हो ही नहीं। तो पागल मुझे फोन करती ना। बैठो। फोन कर देती तो जो ये चेहरे पे खुशी नजर आ रही है देखने को मिलती क्या? बकवास नहीं करो, तभी मैं इतनी खुश होती। अब बातें ही सुनाती रहोगी या कुछ खाने को भी पूछोगी?
बहुत भूख लग रही है यार, दोपहर का खाना भी नहीं खाया, सोचा था तुम्हारे साथ खाऊंगी। खाना तो मैं तुम्हें खिला दूंगी, पहले ये बताओ कि ये जो तुम्हारे चेहरे पर नूर आया हुआ है, इसका क्या राज है? कुछ भी नहीं, साफ लग रहा है, पार्लर से 10-15 हज़ार तो खर्च करवाए हैं चेहरे पे। अरे ये तुम अमीरों के शौक है, हम गरीबों को कहाँ ये चीजें नसीब होती। बस कर दो ड्रामे, सर सर बताओ क्या करवाया? वो अम्मा कहती हैं कि औरत जब माँ बनने वाली होती है तो उसके चेहरे पे नूर आ जाता है। सच? इरशाद, जुनेद तो बहुत खुश हैं और ससुराल में तो मेरी इतनी कदर हो गई कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। पता है तुम भी इस बारे में कुछ सोचो, कसम से इरशाद जिंदगी बदल जाएगी। मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। कभी कभी ना ये लोग बहुत डिले करते हैं ऑर्डर्स में, बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन चलो फाइनली। आइजल जी। पापा जी, तुम खफा हो ना अपने पापा से? नहीं तो? झूठ बोल रही हो। देखो तुम्हारा खफा होना बनता है, तुम्हारे एग्जाम्स हुए, तुम इतने अच्छे नंबर्स लेके पास हुई और तुम्हारे पापा ने तुम्हें विश तक नहीं किया। पूछोगे नहीं कि क्यों विश नहीं किया? क्यों? एक सरप्राइज देना था, थोड़ा डिले हो गया था, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, अब चलते हैं वो सरप्राइज देखने के लिए। कैसा सरप्राइज? बाहर चलो दिखाता हूँ। ध्यान से, बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 3, 2, 1 and here you go. Oh my god, papa, thank you. You're thank welcome. you so much. You're welcome. Kaisa laga surprise? Bahut acha, meri expectation se bhi bahut zyada acha. Ye to shakal dekhni thi maine. Jao ride lekar aao. Aap bhi chale na? Ha na, chalo main bhi chalta hu. Thank you. Bahut bahut mubarak ho bibi sahab. Thank you. और जब माँ बनने वाली होती है तो उसके चेहरे पे नूर आ जाता है। ऐसा जुनेद तो बहुत खुश हैं और ससुराल में तो मेरी इतनी कदर हो गई कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। पता है तुम भी इस बारे में कुछ सोचो, कसम से ऐसा जिंदगी बदल जाएगी। कमाल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो।
बोलो बोलो। मैं मां बनना चाहती हूँ। क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मिर्सा, शादी के बाद मैंने तुम्हें बता दिया था, अपना फैसला सुना दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मगर मुझे बच्चा चाहिए। मिर्सा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आप क्यों नहीं समझ रहे? आपको क्या लगता है, अच्छे कपड़े, बड़ा घर, ज्वेलरी, मेकअप, अच्छा खाना, क्या जिंदगी में यही सब कुछ चाहिए होता है? इसके अलावा भी औरत के बहुत सारे अरमान होते हैं, और औरत को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब वो माँ बनती है। तुम्हारी एक एक बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल बजा है, किसी बात से इनकार नहीं है मुझे। लेकिन मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुका हूँ, आखिरी फैसला है वो मेरा। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और अपनी बात साबित करने के लिए मैं भी बहुत सी दलीलें दे सकता हूँ जो मैं नहीं दूंगा, और मुझे अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज, बहस नहीं।